Hey guys, welcome back to my channel. टाइटल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ अमेज़ॉन ज्वेलरी की. सो मैंने रिसेंटली कुछ ज्वेलरी ऑर्डर करी है अमेज़ॉन से. सो मैं उसको ओपन करके दिखाऊंगी कि वो प्रोडक्ट कैसा है और उसका पूरा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करूँगी. मैंने चार चीज़ें मंगाई हैं अमेज़ॉन से और ये 700 के अंदर में ही सारी ज्वेलरी हैं. कोई मैंने इससे ऊपर की ज्वेलरी नहीं ली है और ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छी ज्वेलरी आपको इस रेंज में अच्छी मिल जाती है. मेरा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मुझे इस तरीके की पैकेजिंग में आया है. पैकेजिंग की बात करूँ, सिंपल सा एक प्लास्टिक का बॉक्स है उसमें आया है ये. सो इनकी फ़ोटो भी मैं यहीं कहीं इंसर्ट करूँगी तो आप लोग देख सकोगे कि ये कैसा है. सो ये अमेज़ॉन पे है, साधना कलेक्शन करके है कोई ब्रांड, उससे है ये. तो इसमें मुझे क्या क्या रिसीव हुए हैं, इसमें हैं दो इयररिंग्स, एक मांगटीका और एक चोकर सेट है. तो ये है चोकर, इसमें ये कुंदन वर्क हो रखा है और ऊपर और नीचे यहाँ पर पर्ल है. और ये देखिए, ये इस तरीके से फ्लावर से बने हुए हैं ये. तो ये बहुत प्रिटी लग रहा है. सो काफ़ी एलिगेंट पीस है. क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है, काफ़ी अच्छा है. सो ये जो थ्रेड वर्क है ये मुझे थोड़ा सा चीप क्वालिटी का लगा, बट ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. और अगर आप इसे लेना चाह रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं. इसके साथ मुझे रिसीव हुए हैं ये इयररिंग्स और ये है मांगटीका. पैकेजिंग थोड़ी अच्छी हो सकती थी, अदरवाइज़ बाकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है और मुझे ये काफ़ी पसंद आया. तो सेकंड जो है वो है ब्रांड लक्सर से. ये जो है ये है स्ट्रियोरिया ज्वेलर्स. सो ये है वाइट मेटल कुंदन नेकलेस और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ. तो इसका जो वर्क है ना वो काफ़ी अच्छा हो रखा है. इसके साथ मुझे रिसीव हुए हैं इयररिंग्स और मांगटीका. तो इसके साथ भी मुझे ये मांगटीका मिला है और मांगटीका में भी यहाँ पे थोड़ा सा कुंदन है और नीचे ये दे रखा है पर्ल. सेम ऐसे ही इयररिंग्स में भी आपको ऐसे पर्ल दे रखे हैं. मैं अगर इसकी क्वालिटी की बात करूं तो मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी. बहुत ही सुंदर सा चोकर है, इसको आप अपने किसी गाउन के साथ या साड़ी के साथ कैरी कीजिए तो ये बहुत अच्छा लगेगा. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Next मुझे जो प्रोडक्ट है वो मिला है इस तरीके के बॉक्स में. इसका मुझे प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है बहुत अच्छा लगा और इसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी. दोनों ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है. टूटे ना इसलिए इस तरीके के फॉर्म वगैरह में दे रखा है तो ये बहुत अच्छा है. सो ये एक रानी हार है, अनुष्का शर्मा इंस्पायर्ड बॉलीवुड हार. ये अनुष्का शर्मा को आपने किसी उसमें पहने हुए भी देखा होगा. तो काफ़ी अच्छा हार है और इसको आप एज अ मांगटीका भी यूज़ कर सकते हैं. वर्क हो रखा है कुंदन स्टोन का, काफ़ी अच्छा है. इसके साथ भी मुझे रिसीव हुए हैं इयररिंग्स भी बहुत प्रिटी हैं और ये पर्ल यहाँ लगा हुआ है और एक मांग टीका भी मुझे यहाँ पे रिसीव हुआ है. इसका प्राइस था आई थिंक ये 490 रुपीज़ का था, आई एम नॉट श्योर. तो मैं सारे ही प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी तो आप लोग वहाँ जाके चेक कर सकते हैं. प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं तो आप अच्छी डील पे इसको लीजिए. लास्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम जावेरी पर्ल्स. तो इसकी भी अच्छा पैकेजिंग में आया है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी. और ये देखिए ये मुझे इस तरीके से मिला है.
तो ये सिल्वर वाइट चोकर नेकलेस सेट है, मेरे पास इस तरीके का कोई चोकर नहीं था सिल्वर में, और काफ़ी एंटिक पीस है ये जो यहाँ पे हो रखा है ना, ये बहुत अच्छा वर्क हो रखा है, और यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल्स दे रखे हैं इधर पे, तो क्वालिटी की बात करूँ बहुत अच्छा है, और प्राइस इसका सिर्फ 290 रुपीज़ है, तो बहुत अच्छा प्राइस में ये मुझे मिला है। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. So, इन सारे ही ज्वेलरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप इनकी टेक केयर कर सकते हैं जिससे कि ये काफी लॉन्ग टाइम तक चले और खराब ना हो। सबसे पहले तो आप इनको मॉइस्चर फ्री एरिया में रखें जहाँ पे बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो, पानी से इसे बचा के रखें। तो इनको अच्छे से किसी ज्वेलरी बॉक्स में रखें या जिप लॉक बैग आते हैं उन पे रखें, तो वहाँ पे क्या होता है मॉइस्चर जाने के चांसेस नहीं रहते, इससे आपकी ज्वेलरी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ठीक रहती है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मैं अब आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।